now exercise 8.3. In exercise 8.3, we are going to solve measurement of capacity. ठीक है? For measuring capacity, we use the units liter and milliliter. ठीक है? Liter, L means liter, and ml means milliliter. ठीक है? Liter is a basic unit. Liter is a basic unit of capacity. ठीक है? And liter is a basic unit of capacity. And liter is a bigger than milliliter. ठीक है? And liter is used for measuring liquid. Liquid को measure करने के लिए हम क्या use कर सकते हैं? करते हैं liter unit. ठीक है? Liquids को measure करने के लिए. And then we have a milliliter. Milliliter is smaller than liter. Milliliter liter से छोटा है. ठीक है? Liter is a big. Milliliter is a small. ठीक है? Liter is a big. Milliliter is a small. For measuring small quantities of liquid, we use ml. ml means milliliter. ठीक है? Liquid की थोड़ी quantity को measure करने के लिए हम क्या use करेंगे? Milliliter. ठीक है? Now you have to remember relation of liter and milliliter. What relation? 1 liter equals to 1000 milliliter. 1 liter किसके equal होएगा? कितने milliliter के equal है? 1000 milliliter के. How many milliliter in a 1 liter? 1000 milliliter. ठीक है? Remember this relation. ठीक है? Now conversions. Now conversions क्या होएगी? You have to convert liter to milliliter. Liter to milliliter. Liter is a big, milliliter is a small. When you go big to small, then you will multiply by 1000. Multiply क्या करना है? 1000 के साथ. Now another, when you convert milliliter to liter. Milliliter is a small, liter is a big. ठीक है? S means small, B means big. When you convert small to big, then you always do divide. Divide by 1000. ठीक है? Divide किसके साथ करना है? 1000 के साथ. In this exercise, we use these conversions. Okay? Now we are going to solve the exercise 8.3 part A. ठीक है? Part A solve करेंगे. You have to solve this part on a book or a notebook as you wish. ठीक है? Now I have written these questions. Now A part is fill in the blanks. First sum is 1.450 liter equals to -liter -milliliter. ठीक है? Liter और milliliter वाले का relation भी किसके साथ है? 1000 के साथ है. पॉइंट के पहले जो नंबर है वो फर्स्ट वाली फिल करनी और पॉइंट के पीछे जो नंबर है 450 वो सेकंड वाली फिल करनी. दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट फिल. नाउ सेकंड सम डू योरसेल्फ. थर्ड सम इज 64.2 लीटर इक्वल्स टू -मिलीलीटर. 64.2 लीटर इक्वल्स टू -मिलीलीटर. लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मिलीलीटर में. लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर. लीटर इज अ बिग, मिलीलीटर इज अ स्मॉल. बिग टू स्मॉल जाना है. जब बिग टू स्मॉल जाना है देन मल्टीप्लाई बाय 1000. 64.2 मल्टीप्लाई बाय 1000. 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे. नाउ मल्टीप्लाई कैसे करना है? हमने पॉइंट शिफ्ट करना है पॉइंट वाले में. ठीक है? हाउ मेनी जीरोज इन अ 1000? 3 जीरोज. सो वी शिफ्ट दिस पॉइंट अप टू 3 डिजिट्स. तो इस पॉइंट को हमने 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है. 642. ये एक पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करोगे. एक डिजिट तो है ही यहाँ पे. 2 डिजिट्स और कहाँ से आएंगे? इसके पीछे क्या लगाओगे? एड 2 जीरोस. 2 जीरोस इसके पीछे लगा दो. ठीक है? तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है? क्या बन गया? 64200. पॉइंट पीछे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती. चाहे पीछे पॉइंट लगाओ चाहे ना लगाओ, एक ही बात है. ठीक है? सो आंसर इज 64200. ठीक है? नाउ फोर्थ सम.
1895 मिलीलीटर चेंज टू लीटर, मिलीलीटर को किसमें चेंज करना है, लीटर में. मिलीलीटर इज अ स्मॉल, लीटर इज अ बिग. ठीक है, अब जाना है आपने स्मॉल टू बिग. जब स्मॉल टू बिग जाना है देन यू विल डू डिवाइड 1895 डिवाइड बाय 1000. ठीक है, नाउ पुट अ पॉइंट 1895 बिफोर थ्री डिजिट, क्योंकि अगर डिवाइड हो रहा है तो पीछे से थ्री डिजिट काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगाओगे, 1 2 3 इसके आगे पॉइंट लगे. आंसर इज 1.895 लीटर. ठीक है, दिस इज आंसर फॉर फोर्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 45 लीटर इक्वल्स टू डैश मिली लीटर. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट लीटर टू मिली लीटर, लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करना है. लीटर इज अ बिग, मिली लीटर इज अ स्मॉल. देन व्हाट यू डू हियर, मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 45000. सो आंसर इज 45000 मिली लीटर फॉर फिफ्थ फिल्म. नाउ सिक्स सम डू योर सेल्फ, सेवन सम. 2 × 1/2 लीटर इक्वल्स टू डैश मिली लीटर. You have to convert liter to milliliter. Liter is a big, milliliter is a small. When you go big to small, then you will do multiply. Multiply by 2 × 1/2 × 1000. Now multiply. Now it given in a mixed fraction, convert into improper fraction. 2 × 2 = 4. 4 + 1 = 5. 5/2 / 1000. Now cutting it. कट करो इसको, ये वाला दोनों कट हो गए. नाउ मल्टीप्लाई 5 × 5 = 2500. ठीक है, 2500 मिलीलीटर इज अ आंसर फॉर सेवंथ पार्ट. एट्थ पार्ट डू योरसेल्फ. नाउ नाइन्थ सम. नाइन्थ सम इज 10 × 3/4 लीटर कन्वर्ट टू लीटर एंड मिलीलीटर. लीटर को लीटर एंड मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. देन यू विल डू, व्हाट यू विल डू हियर, ये लीटर बड़ा यूनिट है, बड़े को किसमें कन्वर्ट करना है, स्मॉलर में. ठीक है, दो में डिवाइड करना है, दो में, दो यूनिट्स में आपने इसको लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, नाउ 10 × 4 = 40, 40 + 3 = 43/4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, नाउ कैंसिल इट. How we cancel it? 4 के टेबल पे कट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 = 8, 2 = 50. Now multiply it. Now which answer we get? Right here. Now multiply 43 by 250. 43 को 250 के साथ multiply करोगे, you will get 10750. 10750. Sorry. 10750 मिली लीटर. 10750 मिली लीटर. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो लीटर आएगा. ठीक है, ओके. सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस टेंथ पार्ट. ओके, नाउ बी पार्ट. बी पार्ट कंप्लीट द टेबल. फर्स्ट कॉलम इज मेजरमेंट लीटर एंड मिली लीटर. In bigger unit liter, in smaller unit milliliter. First sum is already solved. Second sum is 1 liter 770 milliliter. You have to convert into bigger unit. तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, पुट अ पॉइंट. लीटर के आगे क्या है, वन, देन लीटर की जगह पे क्या लगा दोगे, डॉट, देन 770 पीछे क्या आ जाएगा, लीटर. नाउ कन्वर्ट इन टू मिली लीटर. मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, रिमूव पॉइंट 1770 मिली लीटर. और सेकेंड मैथड इज यू हैव टू कन्वर्ट लीटर टू मिली लीटर. लीटर इज बिगर, मिली लीटर इज स्मॉलर. 1770 मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000. तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को थ्री डिजिट आगे शिफ्ट करना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्री जीरोज हैं, तो पॉइंट को थ्री डिजिट आगे शिफ्ट करोगे, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 1770 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. पीछे हमें क्या लगा सकते हैं, इसके पीछे पॉइंट जीरो. पॉइंट जीरो का मतलब कि 1770 ही है. तो आंसर इज दिस.
In this way, we will get this answer. Now, third row is you have to given smaller unit 2752 milliliter. Now, in bigger unit में कैसे लिखोगे? Dot लगाओगे. पहले write कर लो 2752. पीछे हमारे पास उसमें कितनी zeros होती हैं? मिलीलीटर में एक लीटर में मिलीलीटर होते हैं 1000. 1 liter equals to 1000 मिलीलीटर. मिलीलीटर में जीरोज कितनी होगी? 1000 में जीरोज कितनी होगी? 3. तो हमने यहाँ पे पीछे से 3 डिजिट आगे पॉइंट लगाना है. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, जहाँ इसका दूसरा मेथड क्या है आपके पास, 2752 लीटर कन्वर्ट, मिलीलीटर कन्वर्ट टू लीटर. मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है. मिलीलीटर स्मॉल, लीटर बिग. तो 2752 डिवाइड बाय 1000, 2752 ओवर 1000. ठीक है, नाउ पुट अ पॉइंट बिफोर 3 डिजिट्स, 1 2 3. जब नीचे 1000 है तो 3 डिजिट आगे पॉइंट लगाओगे. तो आ गया ये आंसर 2.752 लीटर. ऐसे भी कर सकते हो आप. ठीक है, नाउ यू हैव टू रिटन इन लीटर एंड मिलीलीटर. पॉइंट के पहले वाला लीटर, पॉइंट के पीछे मिलीलीटर. ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस पार्ट. आई हैव सॉल्व दिस पार्ट. चलो मैं करवा देती हूँ. फोर्थ पार्ट, यू हैव टू गिवन 7.45 लीटर. ठीक है, पॉइंट के पहले वाला लीटर, पॉइंट के पीछे 4.5. अभी देखो, अभी 1 liter इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना, और 1000 में कितनी जीरोज होती हैं? 3 जीरोज होती हैं. तो हमने यहाँ पे कितने डिजिट बनाने हैं? 3 डिजिट ही बनाने हैं. ठीक है, बट यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो हमने एक जीरो ऐड कर देनी है. 450 मिली लीटर. नाउ इसमें क्या करना है? स्मॉलर यूनिट में लीटर कन्वर्ट करना है मिली लीटर में. तो आपने यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर दो. ठीक है, और यहाँ पे एक लग जाएगी जीरो. कैसे लगी ये? हाउ वी सॉल्व इट? देखो, 7.45 लीटर कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर. लीटर इज बिग, मिलीलीटर इज स्मॉल. 745 मल्टीप्लाई बाय 1000. नाउ यू हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट अप टू 3 डिजिट. 1 2 2 डिजिट तो है, एक डिजिट है नहीं, तो इसके आगे जीरो लगा दोगे. ये पॉइंट 3 डिजिट आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. क्या आ जाएगा? 7450. इन दिस वे वी विल गेट दिस आंसर. ठीक है, चाहे डायरेक्ट कर लो कि पॉइंट रिमूव करके पीछे जीरो लगा दो. सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस फिफ्थ पार्ट. ओके, दिस इज अवर एक्सरसाइज 8.3 पार्ट बी.